हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बाका बॉय लौट आया हूं एक और नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं काउंटडाउन टॉप 10 हेरम एनिमे का। अगर आप हेरम फैंस हैं तो आई एम श्योर आपने इनमें से कई सारे देखे होंगे, क्योंकि इस लिस्ट में मैंने बेस्ट में से बेस्ट उठाए हैं। आपने इनमें से कितने देखे हैं आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा ही। नंबर 10। क्या हो अगर आपके कंधों पर दुनिया को बचाने का बोझ हो स्पिरिट्स से। स्पिरिट्स एक ऐसे बींग होते हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स होती है, और वो पूरी दुनिया में तबाही मचाते हैं, क्योंकि कई बार उनकी पावर्स पे उनका खुद का बस नहीं होता। ऐसे ही सिचुएशन में खुद को पाता है हमारा MC शिडो, जो कि हैंडसम और काइंड रहता है, और उसे दुनिया को स्पिरिट से बचाना होता है, जो कि क्यूट लड़कियां होती है। शिडो के पास पावर्स तो नहीं होते, तो वो इन स्पिरिट्स को कैसे हराएगा? उन्हें डेट करके। नंबर 9। रोजारियो वैम्पायर मेरा फर्स्ट हीरम एनीमे था, एंड आई एम ग्लैड कि ये मेरा फर्स्ट हीरम एनीमे था। अगर मैंने इसकी जगह कोई और शो देखा होता तो शायद से मैं इस जॉनरा में इतने इजीली जंप नहीं कर पाता। ये शो परफेक्ट ब्लेंड है कॉमेडी का, रोमांस का, एचई का और हीरम टीज का। प्लस इसकी मांगा भी काफी अंडररेटेड है। इट डिजर्व्स टू बी विद द लाइक्स ऑफ मॉन्स्टर एंड पोकेमॉन एडवेंचर्स, पर क्योंकि एक हीरम मांगा है, लोग इसे उस कॉन्वर्जेशन में भी नहीं रखते। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये मांगा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक आर्टिस्ट के आर्ट के डेवलप होने का थ्रू आउट देयर सीरियलाइजेशन। आप लिटरली इसके फर्स्ट चैप्टर को इसके लास्ट चैप्टर से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इकेडा सेंसे का आर्ट कितना ग्रो हुआ है थ्रू आउट इस मांगा के सीरियलाइजेशन में, और उनकी ये इम्प्रूवमेंट की जर्नी हमें खुद विटनेस करने मिली। हमें तो नहीं मिली क्योंकि हम इसे उस टाइम पे तो नहीं पढ़ रहे थे, पर हम अभी इसे विटनेस कर सकते हैं अगर आप इसे पढ़ना चालू करें। इट्स वन ऑफ द बेस्ट। नंबर 8। फक ऑल द हेटर्स, आई लव 1087। इट्स सच अ चैट शो। ओपी एमसी डूइंग ओपी थिंग्स विद 7 ओपी क्यूट एंड स्ट्रांग गर्ल्स, ईच रिप्रेजेंटिंग अ 7 डेडली सिन। पहले मेरा वीडियो पूरा देखो, उसके बाद जाके ये शो देखना। अगर आप इस टाइप के हीरम के फैंस हैं जिन्हें हेरम शो इसे देखना पसंद है, क्योंकि उसमें ओपी मेन कैरेक्टर होता है फैंटेसी वर्ल्ड में, और वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसलिए जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उससे अट्रैक्ट होते हैं, तो ये आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। ये हाईली रिकमेंडेड शो है अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो तो। हालांकि इस लिस्ट में एक और शो आने वाला है जो शायद से आपको और पसंद आ सकता है। नंबर 7। यामारा-कुन एंड हिज 7 बिचेस। काफ़ी अच्छा पर एट द सेम टाइम काफ़ी वियर्ड शो है। बाकी हीरम शोज की तरह इसमें ये सस्पेंस तो नहीं है कि हीरो किसको चुनेगा, बट स्टिल इसमें मोमेंट्स काफी अच्छे होते हैं और लड़कियां भी काफी क्यूट है, तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। ये शो वियर्ड इसलिए वियर्ड नहीं कह सकते, पर इसका जो पावर है, इसमें इस कुल में 7 विचेस होते हैं और हर किसी के पास एक अलग पावर रहता है। जो हमारी हीरोइन रहती है उसके पास होता है बॉडी स्विच करने का पावर। अगर आपको योर नेम पसंद आया बॉडी स्वॉप के कंसेप्ट की वजह से, तो आपको ये भी काफी पसंद आएगा। तो इसमें जो इनका पावर एक्टिवेट होता है वो किस से एक्टिवेट होता है, किस KISS, तो इसलिए ये थोड़ा वियर्ड हो जाता है एट टाइम्स। जब उन्हें उनकी पावर यूज करनी होती है तो उन्हें किस करना पड़ता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शो काफी अच्छा है तो आपको जरूर देखना चाहिए, प्लस काफी कॉमेडी भी है, तो आप बोर तो नहीं होगे अगर आपके टाइप का कंसेप्ट ना भी रहा तो। नंबर 6। ओके, ये वाला नंबर 6 पे है, बट आई एम श्योर ये आपको काफी पसंद आएगा इस लिस्ट के ऑलमोस्ट सारे शोज से। आकी एक ओताकू रहता है और उसको खुद का डेटिंग सिम बनाना होता है, और वो काफी पैशनेट होता है इस चीज को लेके, लेकिन वो ये अकेला नहीं कर सकता, उसे पूरी टीम चाहिए होती है। तो रिक्रूट करता है अपनी ओसानांजी एरीरी को, जो कि आर्टिस्ट होती है, मेरी फेवरेट वाइफू उताह सेनपाय जो कि नॉवलिस्ट रहती है, और उसी कजन जो कि एक म्यूजिशियन रहती है, और वन एंड ओनली हमारी हीरोइन मेगुमी। तो ये परफेक्ट अवेंजर बनाता है इनको लेके। तो क्योंकि आके इतना पैशनेट रहता है, तो इसलिए उसके पैशन से लड़कियां उसे पसंद करती है, अट्रैक्ट होती है उससे, जो हमारे हेरम की गर्ल्स हैं। और ये शो भी बाकी सारे शोज की तरह काफी कॉमेडी है और काफी एंटरटेनिंग है, तो आपको काफी मजा आएगा देखने में। प्लस अगर आप हेरम फैंस हैं तो आपको काफी सारे ट्रीट मिलने वाली है इस शो में। नंबर 5। अब आ गए हैं मेरे पर्सनल टॉप 5, और नंबर 5 पे है फेमिलियर ऑफ जीरो। ये एक इसेकाई हीरम शो है जिसमें MC फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, टेलीपोर्ट नहीं कहूंगा बल्कि समन हो जाता है एज अ फेमिलियर ऑफ लुइस द जीरो। उसको जीरो बोलते हैं क्योंकि वो मैजिक नहीं कर पाती है अच्छे से, उसके पास मैजिक के लिए जीरो टैलेंट होता है, और सो दे थिंक
काफी सारे लोगों को लुइस पसंद नहीं है क्योंकि वो एकदम हार्डकोर सुंदरे है, जो कि स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा था कि ये तो थोड़ा ज्यादा ही सुंदरे हो गया, पर मुझे धीरे धीरे करके काफी पसंद आने लगा वो। ये शो कंप्लीट है, यानी कि ये बाकी शोज की तरह नहीं जिसमें एक या दो सीजन आए फिर आधे में छोड़ के आपको मांगा की तरफ भागना पड़े। इसके 4 सीजन है और उन 4 सीजन में ये स्टोरी कंप्लीट होती है, जो कि ऐड करता है इसके अमेजिंग एक्सपीरियंस के इस शो को। जब एक स्टोरी कंप्लीट होती है तो आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलता है, उसे देखने के बाद आपको इनकम्प्लीट सा फील नहीं होता, जो कि आपको ये शो देखने के बाद बिल्कुल नहीं लगने वाला। आपको ऐसा लगा कि फाइनली स्टार्ट हुआ, मैंने मजे किए, एंजॉय किया और ये शो एकदम सेटिस्फाइंगली खत्म हो गया। नंबर 4। आपने ये शो देखा होगा या नहीं देखा होगा पर आप इस शो के साथ जरूर फेमिलियर होंगे। इसमें एक आइसक्रीम वाला सीन है जो आपने देखा ही होगा। पर आप इस एक आइसक्रीम वाले सीन से इस शो को जज मत करिए, इज वॉट आई लाइक टू से, बट या ये शो ऐसा ही है पर काफी अच्छा है, इसलिए इस लिस्ट में नंबर 4 पे है। इसमें आपको काफी सारी एची चीजें देखने मिलेगी। इनफैक्ट एची के लिए तो मैं कहूंगा कि ये अगर आप एची फैंस हैं तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है ये शो देखने में। बट ये शो भी उन शोज में से एक है जो आपको पोस्ट एनिमे डिप्रेशन दे देता है। काफी फील्स वाला शो है और आपको थ्रू आउट द क्या कहते हैं इसे कि आप जो शो देखेंगे इस पीरियड में आपको काफी मजा आने वाला है, काफी आप एंजॉय करने वाले इसे। नंबर 3। आई एम श्योर आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये शो अभी तक नहीं देखा। शॉर्ट में इसके बारे में आपको बताऊं तो इसे हमारा एमसी है जो कि एक नंबर का एमसी है, एक नंबर का पर्वर्ट है वो। उसका हाई स्कूल में एक ही सपना रहता है टू गेट लेड, और उसको फाइनली एक लड़की डेट पे मिलती भी है लेकिन उसके फर्स्ट डेट पे ही वो उसे मार देती है। बस इसी डर की वजह से मैं डेट पे नहीं जाता। तो उसकी फर्स्ट डेट उसे मार देती है और रियल ग्रिमरी जो कि एक डेविल रहती है वो उसे रिजरेक्ट करती है एज अ डेविल। ये उन गिने चुने अच्छे स्टोरी और प्लॉट वाले हेरम शोज में से एक है। इस पे लोग स्टोरी की वजह से आते तो नहीं है पर स्टोरी की वजह से टिक जाते हैं। एची के मामले में तो ये भी काफी ज्यादा एची है, तो अगर आप शरीफ है तो आपको शायद ये नहीं पसंद आएगा, अगर आप वोना भी शरीफ है तो अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा तो आपको ये देखना चाहिए, आपको ये काफी पसंद आएगा। नंबर 2। ओ माय गॉड, आई लव दिस शो। मैंने काफी टाइम से इसे रिविजिट नहीं किया लेकिन आई बेट मुझे अभी भी इसे देखने में उतना ही मजा आएगा जितना फर्स्ट टाइम आया था। ये काफी फील्स वाला शो है जो ना ही सिर्फ आपको देखने में मजा आएगा पर आपको शो से और उसके कैरेक्टर से काफी कनेक्ट हो जाओगे, आप काफी लगाव हो जाएगा। काफी हाईली मैं आपको ये शो रिकमेंड करूंगा। प्लस शाफ्ट स्टूडियो ने इसे बनाया तो इसमें शाफ्ट ने अलग ही जान दे दी है। मांगा स्टिल मांगा मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि मांगा 2 OP है, पर शाफ्ट ने इसके एनिमे में भी काफी जान डाल दी है। तो निसे कोई का मतलब होता है फेक लव, निसे यानी कि फेक कोई मतलब लव, ऑब्वियसली आप तो जानती होंगी फकिंग वीप्स। तो इसमें जो हमारा हीरो है इचिजो राकू और जो हमारी वन ऑफ द हीरोइन है क्योंकि ये हेरम है तो वो है चितोगे किरिसाकी, और जो राकू है वो याकूजा का बेटा रहता है यानी कि जो जापानीज गैंगस्टर्स रहते हैं, और जो चितोगे रहती है वो माफिया की बेटी रहती है। और क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े गैंग एक ही जगह पे आ जाते हैं तो इनके बीच में कलेश होते हैं जो कि राकू के और चितोगे के पापा नहीं चाहते, उन लोग लीडर है पर फिर भी उन लोगों को इन्हें कलेश करने से नहीं रोक पाते। तो इन लोग एक प्लान के साथ आते हैं कि इन लोग ऐसा बोलेंगे कि इनके जो बेटे और बेटी है वो आपस में डेट कर रहे हैं तो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है ट्रूस करने के अलावा, ट्रूस यानी कि समझौता। तो क्योंकि अगर ये दोनों गैंग के बीच में वॉर चालू हो गया तो फिर काफी खून खराबा होगा और नॉर्मल पब्लिक को भी काफी डिफिकल्टी होगी, लोगों की जान जा सकती है। तो इसीलिए इन लोग एग्री करते हैं कि इन लोग प्रिटेंड करेंगे एक दूसरे को डेट करने का जब तक चीजें सेटल डाउन नहीं होती, और इसी के साथ इनका फेक रिलेशनशिप का चालू जाता है। लेकिन ये फेक रिलेशनशिप कब तक चलेगा, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि फेक रिलेशनशिप को रियल होने में कभी देर नहीं लगती। अगर आप और जानना चाहते तो आप ये शो देख सकते हैं, निसेकोई वन ऑफ माय फेवरेट्स। नंबर 1, द वर्ल्ड गॉड ओनली नोस। इस शो की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। कात्सुरागी कीमा मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। भाई वो बंदा क्या गॉड रहता है, वो डेटिंग सिम उताकू रहता है और वो डेटिंग सिम में गॉड रहता है, यानी कि उसको अगर कोई कैरेक्टर दिखी गेम में तो वो उसको प्यार में फंसा के ही रहेगा। पर उसे रियल लाइफ में लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पर विधि का विधान ऐसा होता है कि उसके लाइफ में एलसी आती है जो कि हेल से भागे हुए सोल्स लूज सोल्स को पकड़ने के लिए आई होती है, और ये जो लूज सोल्स है वो लड़कियों के दिल में छुपे होते हैं और उन्हें निकालने का एक ही तरीका होता है। कैन यू गाइज गेस?
दैट्स राइट, उन्हें प्यार में फंसाने का। और हर एक आर्क में, हर एक सीजन में कीमा का मिशन यही रहता है कि वो जितने हो सके उतने लड़कियों को इन डेविल से फ्री करे, वरना डेविल नहीं, इन लूज सोल्स से, क्योंकि वो लूज सोल्स उनके इमोशंस पे पलते हैं और स्ट्रांग होते हैं और वो बिलोंग भी नहीं करते ह्यूमन वर्ल्ड में। तो उसका मिशन रहता है इन्हें निकालने का, तब जाके वो फ्री हो पाएगा एलसी से, क्योंकि उसने एलसी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया रहता है उसके वजह से अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो वो भी मर जाएगा, उसके गले में जो फंदा रहता है वो टाइट हो जाएगा। तो उसे ना चाहते हुए भी 3D गर्ल्स को फंसाना ही होता है। आई डोंट नो आपको इसकी स्टोरी कितनी अपीलिंग लगी होगी, बट दिस शो इज टू ओपी, इसलिए नंबर वन पे है और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट हेरम शोज ऑफ ऑल टाइम में से एक है। अ मस्ट वॉच फॉर ऑल द रोमांस हेरम फैंस। और इसमें आपको कौन सी कैरेक्टर को आप सपोर्ट करोगे, आप किसके टीम में, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ना ही सिर्फ इसमें बल्कि आप इन सारे शोज में से आपके फेवरेट कौन थे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मुझे अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में इन शोज को लेकर, अगर आपने देखा है, अगर नहीं देखा है तो देख के आओ और फिर बताओ। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।